दिल्ली में दिन में हुई रात। इस वक्त का जो नजारा हम आपको जंगपुरा इलाके का दिखा रहे हैं, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल इस वक्त तक तो चल रही है। बारिश आई, ठंड लाई, पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों पर ओले, मौसम का डबल अटैक। बाकी है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को मौसम ने देश के कई इलाकों में बड़ा यू टर्न लिया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बर्फ की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में बारिश सुबह से ही जारी है। बारिश की वजह से एक समय तो दिन में ही अंधेरा छा गया था, तो वहीं दिल्ली के पास गुरुग्राम में बारिश के साथ ओले पड़े। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी, उत्तराखंड, हिमाचल में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। बारिश, बर्फ और ओलों का ये कॉकटेल है जिसने एक बार फिर सर्दी वापस ला दी है। पहाड़ों पर जमकर बर्फ पड़ी तो मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट देखी गई। दिल्ली में तो मंगलवार की सुबह लोगों के लिए बारिश वाली सुबह बन गई। सुबह 9 बजे तो नजारा ऐसा था कि मानो रात के 9 बजे हों। मौसम की वजह से कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। बारिश लगातार होती रही और ऑफिस का वक्त होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम भी लग गया और 3 जगह सड़क भी धस गई। आज 5-6 जगहों पे जो है वाटर जाम की, वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई। एक जैसे आली रोड है, राव तुला राम मार्ग है, और इसके अलावा मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे है। ये कुछ जगह थी जहाँ पे वाटर लॉगिंग की कॉल आई थी और आधे एक घंटे तक रही, उसके बाद ट्रैफिक खुल गया था। तेज बारिश की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में हुई इस बारिश से एक बार फिर ठंड बढ़ गई। देखेंगे जो अभी हमारे पास एक्टिविटी हुई है, वो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, उसके एसोसिएशन में ये रेनफॉल एक्टिविटी हुई है और हमारे पास मॉर्निंग आवर्स में इंटेंस था। इसका हम लोगों ने बीते 3 से 4 दिन पहले ही पूर्वानुमान दिया था और जो एक्टिविटी हुई है उसमें देख सकते हैं कि जो रेनफॉल मैक्सिमम है वो 26 मिलीमीटर रियलाइज की गई है। साथ ही साथ दिल्ली NCR में कई जगह पर जो हेल है, ओलावृष्टि भी रियलाइज हुई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास जो ठंड का सिलसिला है वो जारी रहेगा। मैदानों पर ठंड बढ़ी है तो पहाड़ बर्फ से ढके हैं। कश्मीर घाटी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। तस्वीरें कश्मीर के जवाहर टनल की हैं, जो हिमस्खलन की वजह से पूरी तरह बंद हो गया। जवाहर टनल बंद होने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा। जहां श्रीनगर में लगातार बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। जवाहर टनल में आज सुबह एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण जो नॉर्दर्न ट्यूब्स हैं, वो पूरी तरह से बंद हो गई है। कुपवाड़ा में तो बर्फ की वजह से बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सालों के बाद इतनी बर्फबारी हुई है कश्मीर में। ये एग्रीकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर के लिए बहुत ही मुफीद है, खासकर सेब, जो फ्रूट सनत हमारी है। अब हम DC साहब से गुजारिश करते हैं, जो रोड बंद है उनसे बर्फ हटाई जाए। लिंक रोड बंद है, मेन रोड अभी बंद है, और जो पानी है, बिजली है, इसको रेस्टोर किया जाए। वैष्णो देवी में माता का भवन भी पूरी तरह बर्फ से ढका है। बर्फबारी को देखकर माता के दर्शन करने पहुंचे यात्री बहुत खुश हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हिमस्खलन की ये तस्वीरें जम्मू के किश्तवाड़ की हैं। हिमस्खलन ऐसे बह रहा है मानो जैसे कोई बर्फ की नदी बह रही है। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। कश्मीर के बाद अब हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे टूरिस्ट स्पॉट पर तो सैलानी बहुत खुश हैं। शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सब जगह बर्फबारी हुई। शिमला में हर जगह सिर्फ बर्फ और बर्फ देखी जा सकती। गाड़ियों, घरों और सब जगह बर्फ की मोटी परत जमा है। दिक्कत जो है स्थानीय लोगों को आने वाले समय में पेश आने वाली है, पानी और बिजली की सप्लाई को लेकर, जो कि हर भारी बर्फबारी के दौरान जो है सामने आती है। लेकिन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी एक बड़ी सौगात से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बर्फबारी के बीच पहले देखिए बर्फबारी हो गई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। एंजॉय किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? पहली बार देखी इतनी बर्फबारी, मजा आ गया। किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ की एक सफेद चादर बिछ चुकी है, और इस समय जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो तमाम जो है लोग, स्थानीय लोग भी हैं और सैलानी भी हैं, और इस तरह से बर्फ में जो है कहीं देखिए अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। शिमला की ही तरह एक और मशहूर हिल स्टेशन मनाली भी बर्फ की चपेट में है। ताजा बर्फबारी से जगह जगह बर्फ जमी है, सैलानी बर्फबारी का खुलकर मजा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। आज मेरी एनिवर्सरी भी है और मेरे को गिफ्ट मिल गया गॉड से। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड सर्कल के साथ, और बहुत खूबसूरत लग रही है शिमला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। बिल्कुल शिमला व्हाइट हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बस चाय पी रहे हैं ठंड में और एंजॉय कर रहे हैं। बोलने को इतनी खुशी हो रही है यहाँ, पहली बार आए, बहुत इतना बढ़िया व्यू हो रहा है, और जिंदगी में इतनी हैवी स्नोफॉल मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, बहुत मजा आ गया। शिमला देव भूमि बहुत अच्छी लग रही है, इस टाइम व्हाइट चादर में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है, एंजॉय हो रही है, चाय ले रहे हैं, घूम रहे हैं शिमला रिज मैदान पे। वही गाड़ियों पर भी बर्फ जमा हो गई है, बर्फबारी से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा नारकंडा, किन्नौर, डलहौजी और कुल्लू भी बर्फ से ढके हैं। मौसम के इस सफेद अटैक से देवभूमि भी प्रभावित है। चमोली और रानीखेत में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, साथ ही सैलानियों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ समेत कई ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य कर रही टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पुनर्निर्माण का काम कर रहे मजदूर अब भी डटे हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। धनौल्टी समेत कई ऊंचे इलाकों में कई फीट तक बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। मसूरी धनौल्टी सड़क पर आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। बर्फबारी के बाद अचानक तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। जनवरी के आखिरी में ठंड का ये अंदाज एक बार फिर याद दिला रहा है कि सर्दी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।